पंजाब एट नाइन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल बलविंदर सिंह ते बुलेटिन की शुरुआत करदे हां हरियाणे की वड्डी खबर तो जिथे जाट अंदोलन बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया है। इत्थे हुलड़बाजा नूं वेखदिया ही गोली मारन दे हुक्म जारी कर दिते गए ने। भिवानी ते रोहतक दे विच करफ्यू लाउणा पै गया। रोहतक विच फौज ने मोर्चा सांभ लिया ते कानून व्यवस्था बनाउण लई फौज नूं इत्थे सद्या गया। तुहानूं दस दईए कि रोहतक दे विच अज गोलीबारी होई जिस विच तीन लोगों की मौत हो गई है। 40 लोग इस दे विच जख्मी हुए ने। गुजाराकारियां ने रोहतक तो विधायक मनीष ग्रोवर के घर नूं भी अग ला दिती है। इस तों पहलां कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यू के घर के उपर भी हमला किया गया सी। साडे पत्रकार कुलवीर दीवान साडे नाल फोनलाइन ते जुड़ रहे हैं ताज़ा अपडेट के लिए। कुलवीर जानना चाहवांगे इस वेले दे ताज़ा हालात की ने हरियाणा विच। बलविंदर जिदा के हालात हरियाणा बने हुए ने खास तौर से रोहतक ते भिवानी विच जिवें करफ्यू लगा के स्थिति नूं कंट्रोल करन दी एक कोशिश की जा रही है ते नाल ही नाल दंगाई जिहड़े हैगे ने उहनां नूं वेखदिआं ही गोली मारन दे आदेश जिहड़े हैगे ने उह जारी कर दिते गए ने। यानी सरकार हुण किते ना किते जिहड़े रास्ते अपील दे राहीं गलबात दे राहीं जिहड़ी शांति व्यवस्था बनाई रखण दी चाहवान सी हुण सरकार नूं लग रिहा है कि गलबात दे राहीं जिहड़ा हैगा ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਕੁਲਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੀ ਇਸ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੁੜਦੰਗਕਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਤੋਂ ਤਮਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ 50 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਟ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। करनाल विच कैथल अते जींद रोड स्टेट हाईवे ते जाम ला दिता गया। अंबाला विच बस सेवा अते दूजियां सेवावां बंद होण दी वजह नाल लोक परेशान हुंदे रहे। अते साइबर सिटी गड़गांव विच भी जाटां ने जाम रोड करके प्रदर्शन कीता है। खट्टर सरकार दे सामने दोहरी चुनौती है। उसने जाम दे नाल भी निपटना है अते कानून व्यवस्था भी बना के रखनी है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। हरियाणा में जारी जाट आंदोलन हिंसक हो गया। आंदोलन के दौरान फायरिंग ते मौत की भी मंदभागी खबर आई। हिंसा नाल निजिठण दे लई आर्मी ते पैरा मिलिट्री फोर्स नूं भी सद्या गया। जाट राखवांकरण आंदोलन के दौरान जिसका डर सी उही होया। रोहतक विच शुक्रवार नूं जबरदस्त हिंसा हुई। लोकां ने कई थावां ते भन्नतोड़ कीती। इत्थों तक कि कैबिनेट मंत्री अभिमन्यू दे घर नूं अग लाउण दी कोशिश कीती गई। पुलिस दा कहना है कि भीड़ विचों किसी ने BSF ते फायरिंग कीती सी। जवाबी फायरिंग दे विच इक प्रदर्शनकारी दी मौत हो गई अते कई लोग जख्मी होण दी खबर है। मॉब बिल्कुल लीडरलेस मॉब है। उन्होंने बाद में माननीय वित्त मंत्री जी के घर पे आग लगा दी और तोड़फोड़ की। हालात ते काबू पाउण दे लई 8 जिलियां रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, कैथल, जींद अते हिसार विच फौज बुलाई गई है। इन्ना ही नहीं पैरामिलिट्री फोर्स नूं भी बुलाया गया है। आर्मी को बुला लिया है, जो हम 8 जिलों में आर्मी को बुला रहे हैं। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, जींद, हिसार और कैथल, इन जिलों में आर्मी को बुला लिया गया है। हरियाणा दे विच हालात बेकाबू हुंदे जा रहे ने अते इन्हां हालातां ते काबू पाउण दे लई फिलहाल पुलिस वल्लों हर जरूरी कदम चुक्या जा रहा है। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। सियासी तौर पर भी इस आंदोलन के नाल निजिठण दे लई कोशिशां कीतियां गईयां। इस ते चर्चा करन दे लई हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अज एक सर्व पार्टी बैठक भी सद्दी सी।
जाट अंदोलन से काबू पाने की कोशिश विच लगे मुख्यमंत्री खट्टर ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक विच साबका मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा, कांग्रेस के सूबा प्रधान अशोक तंवर, एनएलओ के सूबा प्रधान अशोक अरोड़ा शामिल हुए। सारे ने सरकार तो ढुकवे कदम चुकन की मांग की है, नाल ही जाटा शांति बना के रखने की अपील की है। आपस में शांति बनाए रखें, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो आपस में टकराव कराना चाहती हैं, उनसे दूर रहें। हमारी सबकी यही प्राथमिकता है। अभी हमारे हुड्डा साहब, किरण जी, पार्टी की तरफ से हम लोग अपनी बात रखेंगे और जो प्रदेश के हालात हैं वो सामान्य हो और जिसको अधिकार मिलना चाहिए उसको अधिकार मिले। बाकी सरकार क्या कहती है उसके बारे में सोच करके फिर जो भी स्टैंड होगा पार्टी अंदर रखेगी। निश्चित रूप से कहेंगे कि इस प्रकार का रास्ता छोड़कर कानून को हाथ में मत लें, परंतु सरकार भी इसी प्रकार की भाषा समझती है। तो अगर ये सरकार पहले जिस प्रकार से आश्वासन देती रही, बात कर लेती, तो आज ये हालात पैदा न होते। सीएम खट्टर ने फिर दोहराया कि सरकार जाट राखवीकरण के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि जाटा नूं राखवीकरण देने दे लई सरकार सारे जरूरी कदम चुकन दे लई राजी है। इस स्थिति का स्थायी समाधान के लिए हम जैसे पहले प्रयत्नशील है, मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ कि आरक्षण के हम विरोध में नहीं है, बल्कि जो आरक्षण को दिए जाने का रास्ता है, जो संभव रास्ता है, उसको खोलने के लिए बातचीत के रास्ते खुले हैं। स्थायी समाधान हम सबके सहयोग से करना चाहते हैं। सीएम खट्टर ने उम्मीद जताई है कि सरकार अते सारे सियासी दलों की अपील का असर देखेगा अते जाट अंदोलन वापस ले लेंगे। हमारी अपील हुई है, सब पार्टियों की अपील हुई है, राजकुमार सैनी का भी बयान आ जाएगा। जिन जिन बातों की तकलीफ है, आगे उस आरक्षण को उसका रास्ता निकालने के लिए मैंने कह दिया है। इतनी सारी बातें होने के बाद अब इसमें शंका मुझे नहीं करनी चाहिए। अब इसमें से मैं मान के चलता हूँ कि अजिशन आज शाम तक समाप्त हो जाएगा। कई बार बेअसर होने के बाद भी जाटा नूं अंदोलन वापस लैण दी मुड़ तों अपील की गई है, पर ना तो सरकार ने अते ना ही विरोधी दलों ने स्पष्ट किया है कि अंदोलन नूं किवें खत्म करवाया जाएगा अते जाम किवें खुलवाए जाणगे। चंडीगढ़ तो कुलबीर दीवान, जी मीडिया। पठानकोट हमले नाल जुड़ी हुई एक वड्डी खबर। भारत की इस मामले में एक वड्डी कूटनीतिक जित हुई है। पठानकोट छोए दहशतगर्दी हमले विच पाकिस्तान दे विच FIR दर्ज की गई है। यह FIR जैश ए मुहम्मद दे दहशतगर्दां दे खिलाफ दर्ज हुई है। पठानकोट के दोषियों नूं मिलेगी सजा। भारत नूं मिली है वड्डी कूटनीतिक जित। दोषियों के खिलाफ दर्ज हुई FIR। भारत दहशतवाद के खिलाफ छेड़ी गई जंग विच जित का पहला कदम अगे वधा चुका है। दस्तावेज उसे का सबूत है। यो FIR की कापी है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला विच जैश ए मुहम्मद के दहशतगर्दां के खिलाफ दर्ज की गई है, अते वो भी काउंटर टैरोरिज्म डिपार्टमेंट वालों। FIR विच हमला करने वालों के खिलाफ कतल की कोशिश, दहशतगर्दी गतिविधियों के इल्जाम लाए गए ने। पाकिस्तान की धारा 302, 309, 301 दहशतगर्द रोकू कानून के सैक्शन 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कूटनीतिक दबाव का असर है कि पाकिस्तान ने जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो पठानकोट में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें दायर की है, और उसमें ये आंतरिक मंत्रालय जो पाकिस्तान का है उसकी तरफ से जो है ये आदेश दिए गए थे, और अब FIR लॉन्च होने के बाद, दायर होने के बाद ये उम्मीद की जा रही है। भारत सरकार में जो हमारे आधिकारिक सूत्र हैं उनका ये मानना है कि उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द जैश ए मोहम्मद के जो सरगना है मौलाना मसूद अजहर और उनके साथ उनके और जो साथी हैं जो कि पठानकोट आतंकी हमले में शामिल है, जिसके की तमाम सबूत जो है क्लिंचिंग एविडेंस जिसको कहा जा सकता है, जो भारत सरकार की तरफ से भारतीय एजेंसियों को पाकिस्तान को दिए गए तमाम सबूत, उस आधार पर इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगा। गृह मंत्रालय के उप सकत्तर इस मामले विच मुख्य शिकायतकर्ता ने। उन्होंने अपनी शिकायत विच भारतीय सुरक्षा एजेंसियों वालों दिए गए उन्होंने मोबाइल नंबरों का भी जिक्र किया है जिस विच दहशतगर्दा ने हमले के दौरान गलबात की सी। अब आज जो नजर आ रही है कि जो FIR दर्ज हुई है वो बड़ी अहम है। ये आप प्रेशर कहें या आप ये वो कहें कि पाकिस्तान की जो पहल है, पाकिस्तान ने जो जिस तरह बात की थी कि अगर एम्बुलेंस फराहम किए जाएंगे तो उसके तहत जो है पाकिस्तान यकीनी तौर पर कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान वालों भावे इस मामले विच जांच नूं लेके संजीदगी जाहर की गई है, पर सवाल यह है कि आखिर भारत के तमाम सबूतों के बावजूद इस विच जैश ए मुहम्मद के चीफ
मसूद अजहर का नाम शामिल क्यों नहीं किया गया। जिक्रयोग है कि भारत वालों दहशतगर्दी जथेबंदी जैश ए मुहम्मद का हथ होने की गल आखी गई सी। पाकिस्तान सरकार ने भी इस हमले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया सी, जिसके बाद जैश ए मुहम्मद के तीन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया सी। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। ते हुण गल पंजाब दे अर्थचारे नाल जुड़ी हुई। पंजाब विच कांग्रेस विधायक दल दे नेता चरणजीत चन्नी दे उस बयान ते सूबे दे वित्त मंत्री परमिंदर ढींडसा ने जवाब दिता है, जिस विच चन्नी ने कहा सी कि पंजाब सरकार ने केंद्र तो बजट च कोई विशेष पैकेज मंगया ही नहीं है। चन्नी ने आरटीआई दे हवाले तो पंजाब सरकार ते ये इल्जाम लाया। पंजाब विधानसभा विच विरोधी धिर दे आगू चरणजीत सिंह चन्नी ने बादल सरकार ते आरटीआई दा हवाला देंदे होए कई इल्जाम लाए सी। उन्होंने कहा सी कि आरटीआई तो जानकारी मिली है कि पंजाब सरकार ने केंद्र तो आम बजट विच विशेष पैकेज दे लई कोई अर्जी नहीं भेजी है। सूबा सरकार पंजाब दे लोकां नूं गुमराह कर रही है। पर चन्नी दे इन इल्जामां ते हुण खुद सूबे दे खजाना मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने जवाब दिता है। मैं आरटीआई पाई है, आरटीआई दा जवाब आया है। आज 10 दिन पहला 6 तरीक नूं साइन होके आरटीआई मेरे कोल पहुंची है। 10 तरीक नूं साइन होए कोई इन्होंने 15,000 दा जिहड़ा पैकेज कहिंदे सी केंद्र सरकार तों मन्निया, ये कागजां विच कुछ नहीं है। ये टोटल अकाली दल नूं पता नहीं क्यों इस तरह की राजनीति दे पै गए कि टोटल ही झूठ ते ड्रामेबाजी दा सहारा लेके सरकार नूं चलाई जांदे है। अजे तक मेरे कोल आरटीआई है कि इन्होंने कुछ भी केंद्र सरकार तो यही जी सहायता नहीं मंगी। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है, मैं खुद अटेंड करके आया हूँ। उधर हमने सारी डिमांड्स हैं वो एक रिटन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ड्राफ्ट हमारी जो डिमांड्स हैं वो पड़ी हैं, वो हम दे के आए हैं। तो उसमें से लेटर लिखने की बात नहीं है, लेटर सेपरेट चीज़ होती है, जो खुद जाके मांग के लाओ उसका ड्राफ्ट है हमारे पास, वो जब मर्जी हमसे ले लो। चन्नी ने पंजाब के माली हालात पर भी सवाल चुके सी। इल्जाम लाया सी कि पंजाब विच किसानां ते 70,000 करोड़ दा कर्ज पहुंच चुकिया है, किसान खुदकुशी कर रहे ने, पंजाब सरकार ते कर्ज वधदा जा रहा है अते प्रति शख्स कर्जे विच पंजाब सब तों उत्ते है। ढींडसा ने चन्नी दे इस इल्जाम दा भी जवाब दिता। अज तक यह किसानी नूं लाहेवंद धंधा नहीं बना सके लगातार 10 साल दे राज दे विच। सो इन्हां नूं तां अपने आप छड्ड देना चाहिए। अज सरकार इन्हां तों चल नहीं रही, फाइनैंशियल क्राइसिस है। अज बिल्कुल ही सरकार जिहड़ी है जिस तरह कहिंदे पट्ठा बह चुकिया, वह इन्होंने पंजाब का कर दिता है। पंजाब के फाइनैंशियल अगर विकास हो रहा है, लोगों को हम शगन स्कीम बढ़ा रहे हैं और आटा दाल स्कीम दे रहे हैं, सारा कुछ पंजाब को लिए हो रहा है। पंजाब का जो एम्प्लॉइज है वो हाइस्ट पेड है देश में, ये तभी हो रहा है अगर हमारे पास फाइनेंस है, बिना फाइनेंस के कैसे हो सकती। इल्जाम दी सियासत 2017 तक जारी रहेगी, पर यह फैसला जनता ने करना है कि किस दे इल्जाम सही ने ते किस दे गलत। लुधियाना तो नवीन शर्मा दे नाल जगतार पुल्लर, जी मीडिया चंडीगढ़। ते हुण गल अन्नदाता दी। पूरे मुल्क दा ढिड भरन वाला अन्नदाता खुदकुशियां दे राह ते है। आए दिन किसानां दी खुदकुशियां सुरखियां बन रहियां ने। ताज़ा मामला बरनाला तो सामने आया, जिथे आर्थिक तंगी ते कर्जे दे जाल च फसे इक किसान ने खुद नूं खत्म कर लिया। बरनाला दे चीमा पिंड विच मातम पसरिया क्योंकि इत्थे एक किसान ने खुदकुशी कर ली है। हरे कृष्ण नां दे किसान ने फाहा ला के अपनी जान दे दित्ती। उस दे कोलों मिले सुसाइड नोट विच आर्थिक तंगी नूं खुदकुशी दी वजह दस्या गया है। उन्हें सिर लंबे समय तो कर्जा सी जो की करे भी नहीं दसते सन, लंबे समय तो टेंशन विच सन, राती रोटी पानी करके सुते, सुबह जो उठे कर्ज माफ करन दी मांग कीती है। सरकार नूं हड्डी बेनती है जी, जो भी इहदा कर्जा गा ये सिर सीगा सारे करके ने आपदी खुदकुशी करी आ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,
पर किसानों के हालात कदों बदलणगे ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बरनाला। सरकारी महकमें दियां गड्डियां दा ड्राइविंग स्टाफ हड़ताल ते है। अपनियां मंगां ना मन्ने जाण तों खफा मुजाहराकारियां ने अमृतसर विच इक सरकारी प्रोग्राम च पहुंचे प्रशासनिक अमले दियां सरकारी गड्डियां दी फूक कर दित्ती। नीली बत्ती धारी इस गड्डी दी शरेआम हवा कट रहा इस शख्स अते नारेबाजी करदे मुजाहराकारी असल विच सरकारी गड्डियां दा ड्राइविंग स्टाफ है पर हुणे स्टीयरिंग छड़ के सड़कां ते उतर आए ने अते प्रशासन दी रफ्तार ते ब्रेक ला दित्ती है। अपनियां मंगां नूं लैके हड़ताल ते गए इन्हां मुजाहराकारी ड्राइवरां ने जिथे अपना मोर्चा खोल दिता है उत्थे सरकारी ड्राइवरां दी हड़ताल के बावजूद अमृतसर विच इक प्रोग्राम विच पहुंचे सरकारी गड्डियां दे काफले नूं वेख के मुजाहराकारी होर भड़ गए अते सरकारी गड्डियां दी फूक कट के रख दित्ती। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਕਨਵੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ कि अपनियां मंगां लई मुजारा करना उन्हां दा बुनियादी हक है पर सरकारी गड्डियां दी हवा कड्डण ते इतराज़ जाहर कीता है। अपने हक्कां दी मंग करन दी हर इक नूं अधिकार है। जे किसे नूं कोई शिकायत है जां उहदी मंग जिहड़ी जायज़ है ते उहदे ठाउण दे बड़े वधिया तरीके ने। इह कोई बाहली गल चंगी नहीं लगी ते इहदे नाल कोई इहदे नाल उहनां दे जिहड़ा मंग है मजबूत नहीं होंगी। मुजाहराकारियों के मुताबिक सरकार निजी गड्डियों नूं किराए ते लैण दा फैसला लागू कर चुकी है अते सरकारी विभागों विच ड्राइवरां दी भारी कमी के बावजूद खाली अहुदिआं नूं नहीं भरिया जा रहा। इस दे नाल ही ड्राइवर तरक्की दीआं शर्तां अते ठेका प्रणाली नूं लैके भी सवाल खड़े कर रहे ने। राजन गुसाई, जी मीडिया, अमृतसर। गुरु रविदास जी का जन्म दिहाड़ा मनाने लई जलंधर तो श्रद्धालुओं नाल भरी एक स्पैशल ट्रेन वाराणसी लई रवाना हुई। इस ट्रेन नूं रवाना करन लई बीजेपी की पूरी टीम रेलवे स्टेशन ते पहुंची सी। गुरु रविदास जी के जन्म दिहाड़े मौके इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खास तौर पर वाराणसी जा रहे हैं। फिलहाल तुम लैके चलते हैं जलंधर, मैं इजाजत दियो, धन्यवाद। चिमटियां की छनकार, ढोल की धमकार, खुशी विच झूमते लोग अते फुलां ते गुबारियां दे नाल सजाई गई ए स्पैशल ट्रेन। यह नज़ारा है जलंधर दे रेलवे स्टेशन दा, जिथों डेरा बल्लां दे गद्दी नशीन संत नरंजन दास की अगवाई विच एक खास ट्रेन वाराणसी नूं रवाना की गई है। बेगमपुर नां दी इस स्पैशल ट्रेन दे राहीं हज़ारां श्रद्धालु गुरु रविदास जी का 639वां जन्म दिहाड़ा मनाने लई वाराणसी दे लई रवाना होए ने। गुरु रविदास जी की जन्मभूमि ते जाण वाले श्रद्धालु काफ़ी खुश नज़र आ रहे सन। इस स्पैशल ट्रेन नूं रवाना करन दे लई बीजेपी की पूरी टीम पहुंची हुई सी। केंद्रीय राजमंत्री विजय सांपला, बीजेपी के सूबा प्रधान कमल शर्मा तो इलावा जलंधर जिले नाल संबंधित बीजेपी के विधायक खास तौर पर संगत नूं वधाई देन पहुंचे। गुरु रविदास जी का जन्म दिहाड़ा मनाने लई हर साल जलंधर तो वड्डी गिनती विच श्रद्धालु वाराणसी जांदे ने अते इस बार भी वाराणसी जा रहे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता सी। राजीव वधवा, जी मीडिया, जलंधर।